दोस्त सभी को नमस्कार। दोस्त आप लोग जो देख रहा है ये फ्लावर का नाम है इम्प्रेशन। ये मेरा रूफटॉप गार्डन का इम्प्रेशन। आज आप लोगों को दिखाने वाला है ये इम्प्रेशन फ्लावर आप कैसे कर सकता है, इतना सुंदर कैसे कर सकता है वो हम दिखाने वाला है। पहले एक चीज पहले जो लास्ट में बताना है पहले बता देता है, ये प्लांट आप पूरा साल जिंदा रख सकता है। पूरा साल जिंदा रखने का बाद ये ठंडे का मौसम का फ्लावर है। आप सितंबर अक्टूबर महीने में इसका काटिंग से आप नया प्लांट कर सकते हैं। तब क्या होगा, आपका फ्लावर आपका प्लांट का कौन सा कलर का प्लांट है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो सीड का जो प्लान आपको नर्सरी से मिलेगा उसका कलर आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल का बात है। ये देखिए, ये दोनों जो देख रहा था हम सिलेक्ट किया था, ये वाला थोड़ा स्टीम थोड़ा सा ग्रीन है। हम सोचा था ये व्हाइट होगा लेकिन हुआ नहीं, ये कलर हो गया। ये रेड सोचा था, ये रेड हुआ, मैरिन हुआ, ये हुआ, लेकिन ये ऐसा कलर हो गया। इसलिए आप ये प्लांट को जिंदा रखने से आपको कौन सा कलर का वो प्लांट है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जो आप थोड़ा बड़ा प्लांट लेने से भी जिसमें फ्लावर एक दो निकाल के आया उसमें से भी आप फ्लावर का कलर सिलेक्ट कर सकता है। हाँ दोस्त, अभी हम ऐसे एक कैसे पटिंग कर रहा है, कैसे गार्डन सॉइल क्या ले रहा है, कौन सा टाइम में पॉटिंग करना है, पानी कितना देना है, सब डिटेल्स आप लोगों को बताना वाला है। पहला चीज है, ये ठंडे का मौसम का फ्लावर है। आपको नर्सरी से नहीं तो खुद नया प्लांट प्रिपेयर करके आप बैठा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर महीने में इसका छोटा प्लांट नर्सरी में मिलता है। आपको क्या करना है, जाके उसको पूछने से वो बता देगा, जो सा कलर चाहिए वो दे देगा, लेकिन आने का बाद दिखेगा वो दूसरा कलर हो गया है, वही लेके आना है आपको। लेके आने का बाद आप छोटा प्लांट को थाम पॉट में रहेगा, छोटा प्लांट को 3 दिन तक सैंड का अंदर रखिए, उसका साथ फंगिसाइड मिला के स्प्रे करके 3 दिन रख दीजिए। उसमें क्या होगा, आपका फंगस बैक्टीरिया जो कुछ होगा वो खत्म होके 3 दिन बाद 4 इंच पॉट में पॉटिंग कर दीजिए। वो उसका सॉइल मिक्स क्या होगा, उसका सिंपल सा सॉइल मिक्स, थोड़ा सा काउडंग नहीं तो भार्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, ये सब कुछ मिलाने का बाद आप पॉटिंग कर दीजिए। पॉटिंग करने के बाद 10 से 15 दिन बाद उसका फ्लावर निकल के आएगा, प्लांट भी थोड़ा बड़ा होगा, तब जाके आप 10 इंच पॉट में पॉटिंग कर दीजिए। पिटूनिया का पॉट का साइज देखिए, ये बहुत बड़ा है, 14 इंच। एक दिया ये कामती हाइट का पॉट को सिलेक्ट करना है। कामती हाइट का पॉट को सिलेक्ट करके हम ऐसे 10 इंच पॉट को इधर सिलेक्ट किया है। इसका बाद हम सॉइल का साथ क्या क्या मिक्स किया अभी हम आपको दिखा रहा है। हम ये पॉट में पॉटिंग करूंगा अभी। ये जो सॉइल देख रहा है, हम पुराना यूज किया हुआ सॉइल यूज कर रहा है। वो सॉइल को कैसे हम रेडी किया उसका पूरा वीडियो मेरा चैनल में है, जरूरत होने से एक बार देख सकते हैं। अभी हम 10 इंच पॉट के लिए सॉइल मिक्स प्रिपेयर कर रहा है। हम क्या किया, मेरा जो प्रिपेयर किया हुआ सॉइल है वो हम दिया। इसका बाद कॉमन फर्टिलाइजर, इसमें है ए मिक्स्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में है काउडांग बोन डस्ट हॉर्न डस्ट 25% करके, सरसों का खली नीम खली 12.5% करके,
टोटल 100%। ये सभी आइटम को अच्छा तरीका से मिक्स करके थोड़ा सा पानी मिला के कोई सेट का नीचे में कवर करके 10 से 12 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा, आप कोई भी प्लांट को ये अप्लाई कर सकता है। ये मिक्सचर का एक मुट्ठी अभी हम यूज कर रहा है। एक मुट्ठी देगा, ये देखिए, ये है ऐश। हम जिसको लकड़ी जलाने का बाद जो मिलता है वही। इसमें पोटेशियम रहता है जो प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और मिट्टी को भी भुरभुरा कर देता है। वो हम एक मुट्ठी तक लिया है। इसका बाद थोड़ा सा चूना और एक चीज, ये देखिए, ये है बायो पोटाश, ऑर्गेनिक पोटाश, ये थोड़ा सा एक टीस्पून। और इस ये मिट्टी का साथ ये सिंडर है, मेरा पास बहुत सारे सिंडर है, हम सिंडर यूज कर रहा है, इसलिए आप सैंड भी यूज कर सकता है। ये मिक्स कर दिया पूरा आइटम सॉयल का साथ, अभी अच्छा तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने का बाद ही ये प्लांट को अप्लाई कर सकता है। पॉटिंग ये सॉइल में ही हम करेगा। ये अच्छा क्वालिटी का सॉइल बन गया। अभी ये मिक्सिंग हो गया, हम इसमें फंगिसाइड नहीं डाला क्योंकि वो मिट्टी जब हम प्रिपेयर किया था उस टाइम ही फंगिसाइड देके ही प्रिपेयर किया था, इसलिए फंगिसाइड इसमें नहीं डाला। फंगिसाइड हम पहले ही दे दिया, इसलिए अभी इसमें जरूरत नहीं। अभी क्या करेगा, ये जो होल है, बहुत सारी होल है, 1 2 3 4 चार होल है, क्योंकि हम ज्यादा होल वाला यूज करता है, वो क्या क्या होता है, पानी तुरंत निकल जाता है, कोई प्लांट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सड़ जाने का चांस नहीं रहता है। अभी क्या करेगा, ये होल को पूरा चारों होल को बंद कर देगा। अभी पॉट का लोअर पोर्शन में थोड़ा सा ड्राई लीव्स हम दे दूंगा। ये क्या करेगा, ये नीचे में रहने से पानी इजीली वो निकालने की हेल्प करेगा। इसका बाद वो सर धीरे धीरे सड़ जाएगा, सड़ जाने से प्लांट का खाना भी तैयार हो जाए। अभी पूरा मिट्टी दे देना है। थोड़ा टाइट करके दीजिए, नहीं तो एयर गैप रहने से फंगस अटैक का चांसेस रहता है, इसलिए टाइट करके दे देना है। एक बार देख लीजिए दोस्त, एक चीज, जब आपको ये पॉट से निकालना है, एक दिन आप पानी देना बंद कर दीजिए, ये ड्राई हो जाएगा, तब इजीली निकल जाएगा। देखिए अभी हम इसको निकाल रहा है, इसका लिप बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए बड़ा हो गया, इसका सिग्नल ये है, हाँ रूट निकल के आ गया, ये देखिए, देखिए प्लांट को देखिए, ये कंडीशन हो जाने का बाद आपको पटिंग करना। अभी इसको पटिंग कर दूंगा, हाई ये मिडिल में रख के पटिंग कीजिए, ये सबको मालूम है, फिर भी एक बार बता देता है। ये पटिंग हो गया, देखिए अभी क्या करना है, एक ही काम बाकी है, इसमें पानी दे देना है। पॉटिंग करने का बाद
पहले जो पानी देना है वो थोड़ा ज्यादा दे देना है, क्योंकि कोई एयर बबल्स रहने से वो एयर बबल्स को ज्यादा पानी देने से एयर बबल्स को निकाल देगा। अभी सफिशियंट पानी देने का बाद प्लांट को कोई शेड का अंदर नहीं तो पेड़ का नीचे में रखना है। दो दिन ऐसे रखने का बाद इसका बाद इसको तेज धूप में रखिए। तेज धूप ये प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कुछ वाइटल चीज कुछ आपको लोगों को बताने वाला है। पहला, ये प्लांट आपको फ्लावर देगा, मई महीने तक आपको फ्लावर देगा, मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा पूरा प्लांट भर के बॉल जैसे हो जाएगा, टॉप आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही प्लांट हो फ्लावर होगा। ये बड़ा पॉट में, ये 10 इंच पॉट में पटिंग करने का बाद 2 महीने उसको खाना देने का जरूरत नहीं है। इसका बाद क्या करना है, लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर कौन सा देना है, सरसों का खली को 4 दिन पानी के भिगो के रखने का बाद वो सड़ जाता है, उस पानी का साथ और थोड़ा पानी मिक्स करके ये प्लांट को दीजिए। 12 से 15 दिन छोड़ के एक 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 बार करके दीजिए। ये प्लांट को पानी कैसे कितना देना है, सुबह एक बारी देना है। वेदर खराब रहने से, बारिश होने का चांसेस होने से मत दीजिए, देने का जरूरत नहीं है। इसका मेडिसिन क्या जरूरत होता है, ये देखिए इतना बड़ा हुआ, हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स फंगिसाइड कुछ इसको हम अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसमें फंगस नहीं लगता है और प्लांट में कीड़े मकोड़ा नहीं होता है, ये ऐसा फ्लावर ही देते रहेगा। इसका मेंटेनेंस कुछ है नहीं, कुछ भी है नहीं। मेरा हिसाब से मेंटेनेंस वो मेडिसिन स्प्रे करने से खराब होने का चांसेस रहता है। फ्लावर तो खराब होगा ही, कुछ ना कुछ खराब होता है मेडिसिन अप्लाई करने से, उसका चांसेस नहीं होगा। आपको ऐसे फ्लावर देते रहेगा मई महीने तक। इसका पाप बाद मई महीने का बाद सेट का अंदर लेके आप रख दीजिए, थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, ये पेड़ पूरा साल तक जिंदा रहेगा। धूप कैसे पसंद करता है, ये तेज धूप का प्लांट है, तेज धूप में रखने से ज्यादा फ्लावर देगा। दोस्त आज के लिए इतना ही। दोस्त सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। दूसरा वीडियो के लिए आप वेट कीजिए।